नमस्कार, आज बात करने वाले अपन एक नए टॉपिक पे जिसका नाम रहेगा SSD, दैट मीन्स स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ये कैसे क्या वर्क करता है, इसका क्या फुल फॉर्म है, इसके क्या क्या एप्लीकेशन है, इसके हम लोग आज कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं विथ न्यूमेरिकल के साथ। एट द व्हीकल नीड टू बी स्टॉप, जैसे वो टाइम उसके अंदर अकॉर्डिंग वो कन्वर्ट करता है। द इनसाइड द ऑब्जेक्ट कम, कोई भी अगर उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आता है, इनसाइड कोई ऑब्जेक्ट आता है, कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, एनिमल्स हो सकते हैं, जानवर हो सकता है, इस टाइप का कोई भी अगर इनसाइड उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो उस कंडीशन में क्या करता है ड्राइवर, द इनसाइड द रियलाइज, उस कंडीशन में जो ड्राइवर होता है ये रियलाइज करता है कि मेरे को जो अपना व्हीकल होता है उसको स्टॉप करना होता है। दैट मीन्स इनिशियल उसको इमरजेंसी ब्रेक लगा के अपने व्हीकल्स को स्टॉप करने की कंडीशन में आता है, तो ये उसका रियलाइजेशन टाइम होता है। द प्रिपरेशन टाइम वेरीज फ्रॉम ड्राइवर टू ड्राइवर एंड ऑल्सो डिपेंड ऑन सर्वल अदर फैक्टर्स सच एज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड अदर एनवायरमेंटल कंडीशन। जो ड्राइवर टू ड्राइवर, देर में किस टाइप का आपके पास में ड्राइवर है, स्किल वाला ड्राइवर है या अनस्किल वाला ड्राइवर है, एंड डिपेंड करता है कुछ अदर और फैक्टर होते हैं जो कि डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो डिस्टेंस होती है उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है, या फिर बाद में इन्वायरमेंटल की जो कंडीशन होती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ये उसके अदर सर्वल कुछ कंडीशन या कुछ फैक्टर पार्ट होते हैं, जैसे हो सकता है बारिश के टाइम पे ज़्यादा हैवी बारिश हो रही है तो उस कंडीशन में अलग करेगा, हो सकता है कि ज़्यादा जहाँ कोहरा होता है वहाँ पे आपकी अलग बात हो सकती है। द ब्रेक रिएक्शन टाइम आल्सो डिपेंड ऑन द सर्वल फैक्टर इंक्लूडिंग द स्किल ऑफ द ड्राइवर। जो ब्रेक रिएक्शन टाइम होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके जो ड्राइवर की जो स्किल होती है, ड्राइवर की जो सूझबूझ होती है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि किस समय उसको ब्रेक अप्लाई करना है। द टाइप ऑफ द प्रॉब्लम एंड वेरियस अदर द इन्वायरमेंटल कंडीशन, और इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स की जो प्रॉब्लम्स आती है, वेरियस कंडीशन हो सकती है इन्वायरमेंटल के अकॉर्डिंग, दैट मीन किस टाइप का आपके सामने इन्वायरमेंटल है, लेकिन बेसिक इसकी जो बात होती है वो स्किल ऑफ द ड्राइवर की होती है कि जो ड्राइवर की स्किल है, ड्राइवर की जो सूझबूझ है उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर इज टेकन टूगेदर एज दिस इज फाउंड टू वेरी कंसिडरेबल डिपेंडिंग ऑन द सर्वल फैक्टर। जो टोटल रिएक्शन टाइम होता है ड्राइवर का वो फाइंड करने के लिए हम लोग एक ऐसी थ्योरिटिकल वर्क करने वाले, एक थ्योरिटिकल बात करेंगे कि किस टाइप से टोटल रिएक्शन टाइम काउंट किया जा सकता है ड्राइवर के लिए। द टोटल रिएक्शन टाइम मे बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ PIEV थ्योरी। जो टोटल रिएक्शन टाइम अगर आपको काउंट करना है तो इसके लिए हमारे एक हेल्प करने वाली एक थ्योरी होती है जिसका नाम है PIEV। इस PIEV के अकॉर्डिंग हम लोग टोटल जो रिएक्शन टाइम होता है, ड्राइवर कितना रिएक्शन टाइम लेता है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। तो PIEV थ्योरी क्या होती है उसकी डिस्कशन करते हैं। अकॉर्डिंग टू PIEV थ्योरी द टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर इज स्प्लिट इनटू 4 पार्ट। जो टोटल रिएक्शन टाइम होता है ड्राइवर के अकॉर्डिंग, वो जो ड्राइवर जितना टाइम गेन करता है वो उसको हम लोग इन 4 पार्ट के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट होता है प्रिपरेशन, सेकेंड इंटेलिजेशन, थर्ड इमोशन, फोर्थ वॉल्यूशन। ये आपके PIEV के 4 पार्ट, इन 4 पार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कैसे एक ड्राइवर कंप्लीट अपना रिएक्शन टाइम काउंट करता है। फर्स्ट होता है प्रिपरेशन टाइम। प्रिसेप्शन टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सेंसन रिसीव बाय द आई और एयर ऑफ द ड्राइवर टू बी ट्रांसमिट टू द ब्रेन थ्रू द नर्वस सिस्टम एंड द स्पाइनल कॉर्ड। जो प्रिसेप्शन जो टाइम होता है वो जो टाइम रिक्वायर्ड होता है, जो सेंसेस होते हैं जो रिसीव करते हैं, जो ये एक इंसान है, एक ड्राइवर, उसके जो सेंसर है, मेन सेंसर कौन सा, आई और उसका ईयर, ड्राइवर का आई और ईयर, उसके जो सेंसर होता है, सामने जो किसी ऑब्जेक्ट को देखा तो उस ऑब्जेक्ट को क्या किस टाइप से वर्क करता है, क्या उसका ट्रांसमिट करता है, जैसे ही उसने ऑब्जेक्ट देखा तो ऑब्जेक्ट देखे उसके जो सेंसर हो गए, आई हो गई और ईयर हो गए, उसको ट्रांसकोडिंग कितना टाइम लेता है। फिर इंटेलेक्शन टाइम होता है। इंटेलेक्शन टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ड्राइवर टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। एक ऐसा टाइम जो ड्राइवर होता है वो उस कंडीशन के जो सिचुएशन है उसको अंडरस्टैंड करता है, उसको समझने की कोशिश करता है, तो वो जितना वो टाइम लेता है वो उसके लिए इंटेलेक्शन टाइम में कन्वर्ट होगा। इट इज ऑल्सो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंपेयरिंग द डिफरेंट थॉट, रिओपनिंग एंड द रजिस्ट्रेसिंग न्यू
सेंसन, इसके अकॉर्डिंग जितना जो टाइम उसको मेंशन करने में लगता है, डिफरेंट थॉट होते हैं, क्या क्या उसके अंदर विचार आते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है, रीग्रुपिंग करता है, डेट मी ऐसे करूँ या नहीं करूँ, या रजिस्ट्रेशन होता है, ऐसे कुछ न्यू सेंसन न्यू सेंटेंस उसके अंदर माइंड के अंदर वर्क करता है कि मेरे को व्हीकल्स की स्पीड को मेंशन करना है या ब्रेक लगाना है या गाड़ी को। फिर इमोशन टाइम होता है, इमोशन टाइम इज़ द टाइम एज पर ड्यूरिंग द इमोशनल सेंसेस एंड अदर मेंटल डिस्टर्बेंस सच एज फेयर एंगर और एनी अदर इमोशनल फीलिंग लाइक सुप्रेशन विद द रेफरेंस टू द सिचुएशन। इमोशन टाइम एक ऐसा टाइम होता है कि अगर सामने ड्राइवर के सामने कुछ ऐसे इमोशनल सेंसेस आ गए, इमोशनल ऐसे कंडीशन हो गई, इमोशनल ऐसे कोई वहाँ पे डेथ हो गई या एक्सीडेंट हो गया जिसके अकॉर्डिंग उसके जो दिमाग के अंदर इमोशनल फैक्टर क्रिएट होने लगा, या अदर कोई मेंटल डिस्टर्बेंस हो गया, या कुछ उसके आसपास कोई व्यक्ति बैठे या ऐसे कोई बातें करते रहते हैं कि यार ऐसा हो सकता है, ऐसे एक्सीडेंट होता है तो यहाँ इतने सारे लोग मर जाएंगे, या फिर बाद में ये उसके अंदर विचार आता है कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अगर मैंने इमरजेंसी ब्रेक लगाए, गाड़ी अगर पलट गई तो मेरे पीछे जितने जो पैसेंजर बैठे हैं उनका क्या होगा, तो इसके लिए उसका इमोशनल टाइम काउंट होता है। द इमोशन टाइम वेरीज फॉर डिफरेंट ड्राइवर बट इवन फॉर द पर्टिकुलर ड्राइवर द इमोशन टाइम इज लाइकली टू वेरी कंसिडरेबल डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन और द एक्चुअल प्रॉब्लम। इमोशन टाइम वेरी करता रहता है डिफरेंट ड्राइवर के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे ड्राइवर और हर एक जो ड्राइवर इतना तो ये समझता है कि इस टाइप की अगर कोई कंडीशन है तो उसको किस टाइप से कंसिडर करना है, क्या उसके ऊपर सिचुएशन पे वर्क करना है, क्या उसकी एक्चुअल जो प्रॉब्लम होती है उसको इन्वॉल्व कर सकता है वो। फिर वॉल्यूशन टाइम होता है, वॉल्यूशन टाइम इज द टाइम टेकन बाय द ड्राइवर फॉर द फाइनल एक्शन सच एज द ब्रेक अप्लीकेशन। वॉल्यूशन टाइम ऐसा होता है, एक ऐसा टाइम टेकन बाय द ड्राइवर फॉर द फाइनल एक्शन, जो ड्राइवर ने वो फाइनल एक्शन क्या लेगा कि देर मीन्स मेरे को ब्रेक अप्लाई करना है, मेरे को उसको ओवरटेक करना है, मेरे को उसको एक्सीडेंट करना है, कुछ भी हो, जो फाइनल जो इसका डिसीजन होता है वो वॉल्यूशन टाइम के अंदर काउंट होता है कि जो तीनों कंडीशन उसने सोची है वो कंडीशन के हिसाब से वो क्या फाइनल डिसीजन लेता है वो वॉल्यूशन टाइम में कन्वर्ट होता है। तो ये इसका बेसिक डायग्राम होता है। फर्स्ट होता है स्टिमुलेंस होता है, जो पी जो होता है डेट में उसकी जो कंडीशन देखी, उसके जो आई ईयर होते हैं उसने क्या चीज़ देखा उस चीज़ को ट्रांसफर करता है ब्रेन के अंदर, ब्रेन क्या उसका रिजोल्यूशन करता है, इंटेलिजेंस निकालता है, इमोशन क्रिएट करता है, जो इसके स्पेंसल जो रीड की होती है उसके ऊपर कंप्लीट वर्क करवाता है। एंड लास्ट में जो इसका वॉल्यूशन टाइम होता है डेट में उसका क्या रिस्पॉन्स होता है वो उसके ऊपर वर्क करता है। डेट में जैसे किसी ड्राइवर ने ऑब्जेक्ट को देखा, ऑब्जेक्ट को देखने के बाद उसके अंदर जो जितना टाइम ड्यूरेशन वो मेंशन करता है उस टाइम के हिसाब से वो वहाँ पे क्या रिस्पॉन्स देता है उसके लिए वो रिफ्लेक्स एक्शन के अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। तो ये पी आई वी थ्योरी था। द पी आई वी टाइम ऑफ अ ड्राइवर डिपेंड ऑन द सर्वल फैक्टर्स एज अ फिजिकल एंड द साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ड्राइवर। जो पी आई वी जो टाइम होता है ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करता है, उसका जो फैक्टर होता है एक तो उसका फिजिकल ही होता है, एक उसका साइकोलॉजिकल के ऊपर ये वर्क करता है ड्राइवर के। टाइप ऑफ द प्रॉब्लम इन्वॉल्व इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड द टेम्परेचर फैक्टर। इसमें डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है, इन्वायरमेंटल कंडीशन भी हो सकती है, टेम्परेचर फैक्टर भी हो सकता है, जैसे कि मोटिव ऑफ द ट्रिप, ट्रेवल स्पीड, फटी कंजप्शन ऑफ द एल्कोहल। ये कोई भी अगर ट्रिप अगर आपकी मोटिव होती है रेडमी लंबी टूर करते हो तो उस कंडीशन में हो सकता है, ट्रैवल की स्पीड क्या है, जितना हाईवे के ऊपर स्पीड मेंशन करी उससे अगर ज़्यादा चला रहा है तो वहाँ पे डिपेंड कर सकता है, कुछ अगर उसने एल्कोहल की क्वांटिटी ले रखी है, एल्कोहल लेके वो ड्राइविंग कर रहा है, तो ये भी डिपेंडिंग होता है। द टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ एवरेज ड्राइवर में वेरी फ्रॉम 0.5 सेकेंड फॉर सिंपल सिचुएशन टू एज मच ऑफ 3 to 4 सेकेंड और इवन मोर इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। इसके अकॉर्डिंग ये माना गया है कि जो टोटल रिएक्शन से बात करते हैं स्पीड ऑफ व्हीकल्स, द स्टॉपिंग डिस्टेंस डिपेंड वेरी मच ऑन द स्पीड ऑफ द व्हीकल। जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होती है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो डिपेंडिंग करने वाली जो वर्क होती है स्पीड ऑफ द व्हीकल है। स्पीड सेकेंड द ब्रेकिंग